अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? भी आए हुए हैं पर कौन सी लेग थी? मुझे लेग का नाम भूल गया, कहीं लिखा नहीं हुआ। भाई इस लेग का नाम क्या है? बंजूसा झील। अच्छा, हम अभी आए हुए हैं बंजूसा झील। मुझे नाम भूल जाता है इसका बार बार। मोहम्मद अब्बास को दिखाती हूँ मैं। हेलो बेबी, मक्खी तंग कर लिया आपको जूनी मूनी को। बहुत मच्छर थे, हम जा रुके थे रात को। अब आज को मच्छरों ने काट काट के नीला पीला कर दिया है। चूनी मानो को पाली ची गुड्डी को मेरी। तस्वीर इधर आओ। तस्वीर, हाँ जी। क्या कह रही हो? खेलती हूँ। प्यारी है जगह? हाँ। पसंद आई है आपको? हाँ। ये वाला जो क्लिप है ना, यहाँ बच्चा तंग कर रहा था, मैंने वकास को कहा मैं बच्चों को देखती हूँ, आप रिकॉर्ड कर लें। ये क्या रिकॉर्ड किया आपने? तुमने कहा रिकॉर्ड कर लो, मैं रिकॉर्ड करके ले आया। क्या रिकॉर्ड किया है? क्या रिकॉर्ड किया आपके साथ शेयर किए हैं। ये कुछ साल पहले के हैं और कुछ साल पहले बंजूसा लेक जो थी वो इतनी खूबसूरत थी, और अब देखें क्या हाल हो गया है। जगह जगह पे कचरा फेंका हुआ है लोगों ने, इतना गंद डाला हुआ है। आप लोग कहते हैं हुकूमत सब कुछ करे आप लोगों के लिए, आप लोग खुद कुछ ना करें, हुकूमत आके आपके कचरे उठाए जो आप लोगों ने खा खा के फेंके हुए हैं जगह जगह पर। ये देखें इतनी खूबसूरत जगह थी ना ये, कि यहाँ पर आते थे विजिटर्स सैर व तफरी के लिए, सैयाह आते थे और खा खा के गंद यहीं पर फेंक जाते थे। सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, कुछ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम जो चीज़ें खा रहे हैं उसको डस्टबिन में फेंके। देखें इस वाली जगह पे इन्होंने ना थोड़ी सी छोटी छोटी सी नालियाँ सी बनाई हुई है, क्योंकि झील का पानी फुल ब्रिज को टच कर रहा है, तो यहाँ से वो पानी बहता हुआ नीचे जा रहा है। बस जो लोग भी यहाँ आते हो ना आप लोग, तो चीज़ें वगैरह खा के रेपर वापस शॉपर में डाल के लेके जाया करें, यहाँ पर नहीं फेंका करें। ये यहाँ पर ब्रिज है, इस पर खड़े होते हैं लोग, और ये देखें इसका पानी आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। देखो शिप चला रही है। हाँ। अच्छा नहीं है जहाज,
स्मेल इतनी आ रही है कि पास खड़े होना मुश्किल हो रहा है। उधर के साइड पर जो वादियाँ बनी हुई हैं प्यारी सी, ये है वो झील जहाँ पे हम आए हुए हैं। पीछे तक के काफ़ी आगे तक जा रहा है बहता हुआ पानी, और जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं ना इसका पानी साफ होता जाता है। सिर्फ यहाँ पे पानी गंदा हुआ हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोग खा खा के कचरा फेंक देते हैं। ये पीछे हट्स वगैरह बने हुए हैं और रेस्टोरेंट है, होटल है, शॉप्स वगैरह हैं, और यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा गेस्ट हाउस अगर आपने रहना है तो उसके लिए। वो लोग शिप्स में बैठे हैं, हम नहीं बैठ रहे क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल है। ये सारा पानी देखा कितना गंदा कर दिया, इतनी प्यारी जगह थी पानी का गंद कर दिया। हाँ चलो पार चलते हैं, गिरोगे तो खैर है, क्या हो गया। ओवरऑल वैसे हमें लेक पे मज़ा आया था, वकास ने इतना इंजॉय नहीं किया क्योंकि उनको ना स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, हमें भी आ रही थी, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया मैंने और बच्चों ने। वकास तो गाड़ी के पास चले गए थे, बलाज ने बहुत तंग किया कि प्राम में मुझे बिठा दो और अभाज को गोद में उठा लो, बहुत तंग किया था, चल भी नहीं रहा था। इस पार्किंग की जगह यहाँ गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं। तो सिर्फ आपको जगह पसंद आई है? हाँ जी। चलो अब बस हम अभी वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, हम लोगों ने निकलना है रावला कोर्ट के लिए, तोली पीर जाना था। तो वो लोग कह रहे हैं कि तोली पीर के लिए अगर आप जाओगे तो जीप में जाएं, रास्ते टूटे हुए सारे वहाँ के बन रहे हैं अभी। यहाँ से मैं दिखा देती हूँ आपको झरना, मतलब वो जो पानी बहता हुआ आ रहा है झील का, वही पानी है सारा नीचे पौधों में जा रहा है। तीन चार इन्होंने ना वो बनाया हुआ है, ये देखिए मोटर सी भी लगी हुई है कुछ, यहाँ से वो तीन चार नालियाँ निकाली हुई है ब्रिज के अंदर से, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल ब्रिज तक है ना हाइट उसकी, तो फिर वहाँ से ये बहता हुआ नीचे जा रहा है सारा इस तरीके से। पानी का साउंड इतना प्यारा लगता है ना बहता हुआ, शुर ऐसे आता है। हम वापस जा रहे हैं बस हमारी गाड़ी की तरफ, हमने सोचा था बोट में बैठेंगे पर स्मेल इतनी है ना बिल्कुल नहीं खड़ा होने हो रहा। आओ, उनको स्मेल नहीं आ रही होगी ना, बहुत ज़्यादा स्मेल लग। ओके भाई हम अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे रावला कोर्ट और वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगी फिर मैं। अगर रास्ते में कोई प्यारी सी चीज़ नजर आई तो वो भी आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँगी मैं, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक करो नसीब कह रही है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है। अच्छा चले अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।